गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यस। कैसे हो बच्चों? आज तो बड़े हफ्ते से नजर आए सर। बच्चों अब आप सबसे पहले ये बताओ, लास्ट क्लास में जो आपको लाइंस के बारे में समझाया था वो सारी बातें आपको क्लियर? देखो अब हम आज ना वो जो लाइंस के हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी थी उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस लाइंस में बन सकते हैं वो मैं आपको सब कराऊंगा। इसके बाद फिर हम ट्रायंगल्स करेंगे, ट्रायंगल की बेसिक थ्योरी, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन ट्रायंगल पे बन सकते हैं वो सब। प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगेगा जब आप इतना मटेरियल करोगे, लेकिन अगर एक बार कर लोगे तो फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा कहीं से भी, और अभी आपके पास टाइम भी है। देखो लास्ट एक बार मुझे लास्ट पॉइंट बताओ, आपको क्या समझाया था? बस आपका एक पॉइंट और रिमेनिंग है। बस एक बार सबसे लास्ट में बता दो क्या बताया था। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये बात बता दिया था, क्यों होगा? देखो अगर बेसिक स्टॉर्म करने है ना तो ये बात तुम्हें पता करनी पड़ेगी कि अगर कुछ भी होगा तो क्यों होगा। अब देखो हमारे पास एक बहुत छोटी सी थ्योरम और है, वो भी आप सबने रट रखी होगी। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। ये बात हर एक बच्चे को याद होगी, एकदम रट रखी होगी, एकदम अनिमेश, वेरी गुड। ये जो हमारे पास ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, मतलब अगर आप यहां से एंगल ए सी डी की बात करोगे तो आपके पास एंगल ए सी डी होगा एक्स प्लस वाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। अब देखो एक बात आप याद रखो, ये कहीं भी डायरेक्ट तो आएगा नहीं, आपको ये 40 दे दिया, ये 60 दे दिया, एक्सटीरियर एंगल बताओ। अब इसका यूज आपके पास क्वेश्चंस के बीच में होगा। गुड मॉर्निंग मनु। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा होता क्यों है? एकदम नॉर्मल सी बात, ऐसा होने के पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि सर जो सी कट सर टोटली एंगल बनेगा सर वो 180 डिग्री का बनेगा, और अंदर का भी 180 डिग्री होता है। अगर हम सी का माइनस कर देंगे तो वो सी वाला और वो दोनों इक्वल होंगे सर प्लस करके, क्योंकि सर दोनों का सम 180 डिग्री ही होता है। बिल्कुल। देखो आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो अभी आप क्या करो, इसको ना पी अज्यूम कर लो। हमें प्रूव करना है कि पी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ये एक एंगल है हमारे पास x, एक एंगल है हमारे पास y, तो आप ये बताओ ये थर्ड वाला एंगल कितना होगा? एक एंगल है x, एक एंगल है y, ये थर्ड वाला एंगल कितना होगा? ये हमारे पास होती है 180 डिग्री। अब ये देखो हमारे पास बी सी और डी, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल होगा
ये कंप्लीट वाला एंगल ये कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर आप 180 माइनस एक्स प्लस वाई में पी ऐड कर दोगे तब ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन कितनी होगी 180 डिग्री। 180 से 180 कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। तो एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये बात समझ आई बच्चों? क्यों होगा? देखो याद तो आपको इतना ही रखना है बस, लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। अब बच्चों अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस आप मुझे दो बातें बता दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जहां आपके पास दो एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री, और एक बताया होगा आपको सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 होगा। अदिति बेटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, एक बताया होगा आपको सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। एक छोटी सी बात और है, लीनियर पेयर का सम कितना होगा? लीनियर पेयर भी ना 180 होता है। अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है ए एंड बी आर लीनियर पेयर्स, तो इसका मतलब ए और बी का सम भी 180 होगा। तो बच्चों अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास लाइंस के, आराम से करते रहो। जितने भी लाइन में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको सब करा दूंगा। अगर इनके बाद फिर कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको आप खुद से कर लोगे इतने क्वेश्चन करने के बाद। देखो हमारे पास एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 टाइम्स है, तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है क्या होगा। एकदम आराम से करो, चिल होके। देखो समझो, अगर एक एंगल, देखो यहां हमारे पास लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? दो एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री। भाई अगर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो हमारे पास दो एंगल्स होंगे, दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। अब सपोज एक एंगल है हमारे पास थीटा। अगर एक एंगल है हमारे पास बच्चों थीटा, तो आप ये बताओ दूसरा वाला एंगल कितना होगा? दोनों एंगल का सम है 90 डिग्री, एक एंगल है थीटा, तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये जो एक एंगल है ना आपके पास, ये अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 टाइम्स है। तो बच्चों अगर आप कॉम्प्लीमेंट एंगल में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये दोनों बातें इक्वल हो जाएंगी। भाई आपके पास एक एंगल है थीटा, वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 टाइम्स है, तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट एंगल में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये दोनों बातें इक्वल हो जाएंगी। यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। फोर थीटा, फाइव थीटा इक्वल्स टू 360। थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 72। थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 72। इसका मतलब एक एंगल है हमारे पास 72, तो आप ये बताओ अब दूसरा वाला एंगल कितना होगा। भाई एक एंगल है अगर थीटा, तो दूसरा वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा।
तो ये कितना होगा 90 माइनस 72 18। एक एंगल होगा 72 और दूसरा वाला एंगल होगा 18। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? अभी हम कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट इन्हीं के ऊपर करेंगे, आपको ये बातें भी क्लियर होनी जरूरी है। सर हाँ जी सर, इसमें थीटा आपने अपने आप लिया है या फिर इसमें हमें बोला है कोई भी एक एंगल दूसरे एंगल का 4 टाइम्स है तो हमने उसको थीटा अज्यूम कर लिया। अब कुछ अच्छा, भी अज्यूम किया है सी डी ई एफ कुछ भी ओके लेकिन एंगल ज्यादा कुछ थीटा से लगता है इसलिए थीटा भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हो थीटा के प्लेस पर। ठीक है ओके बताओ इसका आंसर कितना होगा? दो एंगल आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है उसमें से एक एंगल 45 है तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा? इससे आसान नहीं हो सकती बच्चों जिंदगी। अब भाई आपको पता है कॉम्प्लीमेंट होती है आपके पास दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90। अब इसमें से एक है हमारे पास 45, दूसरा वाला हमें फाइंड आउट करना, दूसरा वाला भी कितना होगा 45। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमारे पास फटाफट से पहले आप ये बताओ एक्स प्लस वाई कितना होगा? सर 180। 180। अब इस क्वेश्चन को करो, अगर आपके पास दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसका मतलब दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। दोनों एंगल्स आपके पास हैं, दोनों को आप ऐड करो तो 180 डिग्री के इक्वल कर दो। बोलो यस। अगर आपके पास दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे तो इसका मतलब दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। हमारे पास दो एंगल है 7x प्लस 58 और सेकंड वाला एंगल है हमारे पास 16x प्लस 53। सप्लीमेंट्री एंगल्स में x प्लस y कितना होगा 180 डिग्री, तो बस इन सबको आप ऐड कर लो कितना होगा 23x प्लस 111 इक्वल्स टू 180। 23x इक्वल्स टू कितना होगा 69, x की वैल्यू कितनी होगी 3, x की वैल्यू होगी आपके पास 3, आपको फाइंड आउट करना है 5x, x की वैल्यू है आपके पास 3 तो बच्चों 5x कितना होगा 50। बात समझ आई बच्चों? बोलो बच्चों। बता दो फिर फटाफट से आंसर कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्लियर होना भी जरूरी है, कभी कभी अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे तो वहां इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। भाई अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम कितना होगा 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपके पास दोनों एंगल का सम कितना होगा 90। अब एक एंगल है 11x और सेकंड वाला एंगल है 19x, दोनों का सम कितना होगा 90। 30x इक्वल्स टू 90 तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, x की वैल्यू है आपके पास 3 तो 11 की वैल्यू कितना होगी 11x की, x की वैल्यू है 3 तो 11x की वैल्यू होगी 33 और 19x की वैल्यू होगी 57। बात समझ आई बच्चों? किसी को कोई डाउट? देखो अगर आप एक्टिव रहोगे ना मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, कोई भी आई कहां से आई क्यों आई,
लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर जैसा कहीं आपने किताबों में लिखा हुआ पढ़ा होगा वैसा ही आखिर यहां भी। अब देखो थोड़ा सा अगर हम ठीक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे देखो एक बात आप सोचो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होगा, सप्लीमेंट्री में 180 होगा। अब इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन देखोगे तो वो ऐसा ही बन सकता है क्योंकि तो इसमें कुछ इतना होता भी नहीं। अब एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, दोनों का मिक्स होकर बन जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें 90 और 180। Q1 एंड Q2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Q1 इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको Q2 बताना है कितना होगा। करो एक बार ट्राई। दीप्ति आपको तो सबसे ज्यादा समझ आया होगा, आप बिल्कुल अभी अभी आई हो, जस्ट अभी अभी मैंने आपको देख लिया, जस्ट एकदम एंट्री करी थी आपने और आपको एंट्री करते समझ आ गया। देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, बस जो आपको बोला जाए उसको करते रहो। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बोला है Q1 एंड Q2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका मतलब Q1 इन दोनों का थीटा 1 और थीटा 2 कर दो, इन दोनों का सम कितना होगा 90। उसके बाद आपको गिवन है थीटा 1 अपने सप्लीमेंट्री एंगल, तो सबसे पहले अब आप ये बताओ थीटा 1 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। थीटा 1 या Q1 कुछ भी कर लो, एंगल्स में थीटा ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास एक एंगल है थीटा 1 तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा 1। अब अगर एक एंगल है आपके पास थीटा 1 तो ये जो थीटा 1 है अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 9/11 है। ये जो आपके पास थीटा 1 है अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 9/11 है, तो यहां से आप थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी। ये कितना होगा, 11 थीटा 1 इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 थीटा 1। 9 थीटा 1 को भी 11 के पास ही ले जाओ, ये कितना होगा 20 थीटा 1 इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई 9। तो थीटा 1 कितना होगा, 20 से डिवाइड कर दो, थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 81। थीटा 1 है आपके पास 81 और थीटा 1 और थीटा 2 आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 का सम कितना होगा 90। तो थीटा 1 की वैल्यू है 81 और दोनों का सम है 90, तो थीटा 2 की वैल्यू कितना होगा 9। समझ आया बच्चों क्वेश्चन। देखो इस कॉन्सेप्ट में इससे ज्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं सकते, खुद से सोचो इससे ज्यादा क्या बनेगा इसमें। बताओ इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट, करो इसको रीडम। देखो यहां है हमारे पास ए एंड बी आर लीनियर पेयर। अगर ए एंड बी आपके पास लीनियर पेयर है
तो इसका मतलब ए प्लस बी कितना होगा? अगर आपके पास ए एंड बी लीनियर पेयर है तो ए प्लस बी कितना होगा? 180। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो। ये जो हमारे पास एंगल बी है अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/5 से 24 ज्यादा है, तो आपको ए के हाफ का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, क्या होगा? ट्वेंटी फाइव, वेरी गुड पूर्वी। बाकी सब भी ट्राई करो भाई, ये सेम ही क्वेश्चन है। मान से कितना होगा बताओ? आप भी एक लड़की हो जो इस ग्रुप में ज्यादा एक्टिव रहती है, बताओ कितना होगा मान से? सर एक सेकंड कर रही हूँ, पहले मैं ओरली कर रही थी तो मैं लिख के मैं 2 मिनट बीच में स्टेप कर देता हूँ। कोई नहीं, चलो। कृतिका कितना होगा आंसर? करिश्मा, देव, दीप्ति? दीप्ति कितना होगा आंसर? 65। देखो 65 तो संजीत आपके पास ए का हाफ है, आपको ए के हाफ का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो 90 माइनस 65। देखो अब इस क्वेश्चन को समझो एकदम करिश्मा। 25 ए आपके पास है 130 और बी है 50, ये भी ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट लाइन गिवन है, ए एंड बी आपके पास, अनिमेश कितना होगा आंसर? ए एंड बी आपके पास लीनियर पेयर है, मतलब ए प्लस बी का सम कितना होगा? 180। उसके बाद हमें बोला है ये जो बी है, बी अपने को सप्लीमेंट्री एंगल, तो सबसे पहले आप ये बताओ बी का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 180 माइनस बी। भाई अगर आप बी का सप्लीमेंट्री एंगल देखोगे तो वो कितना होगा? 180 माइनस बी। एक एंगल है हमारे पास बी, बी अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/5, ये जो बी है अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/5 से 24 ज्यादा है, इसका मतलब बी और बी के सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना होगा? 24। तो इसको हम डायरेक्ट ए नहीं ले सकते क्योंकि ए प्लस बी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए, तो ए का बी का सप्लीमेंट तो ए ही हुआ। लेकिन यहाँ आपको बी कहाँ गिवन है? आपको ये गिवन है ये जो बी है ना, ये अपने सप्लीमेंट्री एंगल से 24 ज्यादा है, तो आपको बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ तो सर वही तो लॉजिक हुआ, तो उसका अगर हम ए प्लस कर सर वो कह रही ए और बी में दो इक्वेशंस बना के और फिर सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन तो है ए प्लस बी और एक और आ जाएगी यहाँ से। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इतनी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। और सर हमें एक वैल्यू निकाल ली है तो हम फिर वो डायरेक्ट यूज करेंगे, पहले हम बी की वैल्यू निकालेंगे फिर ए की वैल्यू निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो हम डायरेक्ट फिर ए की वैल्यू यूज करेंगे। क्लास में आप थोड़ी ना डायरेक्ट करोगे, अब इसको तो आप और भी डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन होते तो, लेकिन क्लास में तो बातें समझनी है ना। जब इसको एग्जाम में करेंगे तब आप इसको कितना भी डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन मानसी यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उन्हें को सीधी सीधी बातें समझ ही नहीं आएंगी, उन्हें तो एक एक स्टेप समझाना पड़ेगा। देखो एक एंगल है हमारे पास बी, बी अपने सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस बी के 1/5 से 24 ज्यादा है,
तो अब क्या करो बच्चों, यहां से बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। बी की वैल्यू कितना होगी, 5b - 180 + b = 24, 6b = 24 + 180। बी की वैल्यू कितना होगी यहां से, 6b = कितना होगा, 120 हो जाएगा ना, वो 120 होगा। सॉरी मैंने भी यही किया था, तभी मेरा 34 आ गया। जब आप इस 5 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। कृतिका आपको ये स्टेप समझ आया, हमने क्या कर दिया बताओ? सर मतलब 5 से मल्टीप्लाई कैसे यहाँ दोबारा सर? हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद ही समझ गया था इतनी देर से शाम तो। सर मैं सुन रही थी ध्यान से। क्या करो आप यहां से एलसीएम लो, ये कितना होगा, 5b - 180 - b / 5 = 24। इसके बाद अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 5b - 180 + b = 120, 6b = 300। 180 को हम 120 के पास ले गए तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, 50। कृतिका आप समझ आया? यस सर। b की वैल्यू है हमारे पास 50 और a प्लस b है 180, तो a की वैल्यू कितना होगी, 130। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ हाफ ऑफ a, a के हाफ, तो a है हमारे पास 130, a का हाफ कितना होगा, 130 का हाफ कितना होगा, 65। आपको 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 - 65 = 25। समझ आया बच्चों? देखो मानसी आप ना अपने हिसाब से सोच रहे हो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको चीजें पता ही नहीं है, तो उनके हिसाब से तो फिर पूरा करना पड़ेगा, और मुझे तो सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। भाई इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट? देखो हो तो कहीं से भी जाएगा, अगर आप होने का प्रोसेस देखोगे तो सबसे अच्छा होगा ऑप्शन, सबसे अच्छा होगा आपके पास ऑप्शन, लेकिन क्लास में तो हमें सबको लेकर चलना पड़ता है। भाई एग्जाम में आपकी अपनी अपनी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करो, लेकिन क्लास में तो सभी ऐसा मेथड बताना पड़ेगा जो सभी को समझ आए, क्योंकि सिलेक्शन तो सभी को लेना है। आपने चीजें पहले पढ़ रखी हैं तो आपकी फास्ट है, जब ये सब बच्चे भी पढ़ लेंगे तो फिर इनकी भी फास्ट हो जाएंगी। बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर बता दो बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में आपके पास x प्लस वाई कितना होगा, 180, मतलब 14x + 22x = 180, 36x = 180, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। x की वैल्यू है आपके पास 5, तो 14 की वैल्यू कितना होगी, 70, और 22 की वैल्यू कितना होगी, 110। x की वैल्यू है 5,
तो 14 की वैल्यू कितना होगी 17 और 22 की वैल्यू कितना होगी 110। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बस देखो अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के ऊपर, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। करो इसको ट्राई और बताओ आंसर कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी अभी कराया था एक ऊपर जिसका आंसर 9 डिग्री था, ये भी सेम है, एक बार इसको ट्राई करो। देखो अब हम इतनी देर से एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसमें कुछ भी नहीं होता, हमने इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, तो अब आप एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो बताओ बच्चों, फिर इसके बाद हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है Q1 एंड Q2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, थीटा वन कर लो बच्चों, क्यू बनाने में कितना टाइम लगेगा, क्यू ही बनाते रहेंगे इसको। थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। अब ये जो थीटा टू है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थीटा टू का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा भाई? क्वेश्चन में आपको गिवन है ये जो थीटा टू है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थीटा टू का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा टू, ये जो हमारे पास थीटा टू है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3/7 टाइम्स है। थीटा टू अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3/7 टाइम्स है, तो आप यहां से थीटा टू की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। थीटा टू की वैल्यू कितना होगी? 7 थीटा 2 इक्वल्स टू 270 माइनस 3 थीटा 2, 10 थीटा 2 इक्वल्स टू 270, तो थीटा टू की वैल्यू कितना होगी? 27। थीटा टू की वैल्यू होगी आपके पास 27 और थीटा वन और थीटा टू का सम कितना है 180, तो यहां से थीटा वन कितना होगा 153। बताओ बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ आया आपको? अब इस पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। अब आप क्या करना, इसी की प्रैक्टिस करते रहना। जब आप इसी की प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो इन चीजों को फिर आप धीरे धीरे ओरल करना सीख जाओगे। जिन बच्चों की भी मैथ थोड़ी वीक है वो अब इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में कुछ भी नहीं बन सकता। अब आते हैं हम लाइंस पे, करो इस क्वेश्चन को रीड। ज्योमेट्री की प्रैक्टिस आप डेली करना, आपका सिलेक्शन एसएससी में होना या फिर ना होना ये बहुत बड़े रोल में डिपेंड करेगा एडवांस मैथ पर। ये बात मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास से समझा रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आपकी एडवांस मैथ स्ट्रॉन्ग है तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है पी आर और क्यू यू पैरेलल लाइंस है, ये जो हमारे पास साइन होता है ये होगा पैरेलल लाइंस का। उसके बाद सब कुछ हमें गिवन है, एसटीयू 30, एसयूटी 90, पीआरएस ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। देखो आप क्या करोगे,
आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, एस टी और यू में एक एंगल है आपके पास 90, एक एंगल है आपके पास 30, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180, तो ये थर्ड वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 60। अब हमारे पास QU है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, अगर एक आपके पास एंगल है 60 तो फिर ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, वन हंड्रेड ट्वेंटी। अब देखो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, तो ये जो आपके पास एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। भाई आपको लाइंस में समझाया था ना, ये जो आपके पास एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये दोनों इक्वल होंगे, तो आपके पास ये जो एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो एंगल पी आर एस और एंगल क्यू एस टी ये दोनों इक्वल होंगे 120 डिग्री। इनका नाम क्या होगा, भाई आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इनका नाम क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल सर। हाँ जी, ये 120 कैसे आया, ये 120 ऐसे आया, देखो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास कितनी होती है 180, 180 इसमें से एक साइड वाला एंगल है बेटा हमारे पास 60, तो ये फिर इधर वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 120। ओके सर, एक्सटीरियर एंगल भी तो है सर सेम, क्या 90 प्लस 30 एक्सटीरियर एंगल 90 प्लस 30 एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हो। ये जो आपके पास QST है ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, यहां से भी कर सकते हो। देखो बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, वर्टिकली से भी कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, कोरेस्पोंडिंग एंगल से भी कर सकते हो। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया आपको, करो इसको ट्राई। देखो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ए बी और सी ई ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, उसके बाद हमें ए एफ डी गिवन है, ए एफ डी गिवन है 30 और बी ए एफ, बी ए एफ ये एंगल है हमारे पास 150, तो हमें ई डी एफ ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। बताओ बच्चों कितना होगा ये एक्सटीरियर एंगल। देखो जो थ्योरम हमने अभी अभी अप्लाई करी थी, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को कोरेस्पोंडिंग एंगल से बस इसीलिए समझाया था क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तुम्हें इसी को अप्लाई करना है। देखो अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये जो आपके पास एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दो लाइन आपके पास पैरेलल है तो ये जो आपके पास एंगल x और x ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो हमारे पास BA और EC ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब अगर हमारे पास BAF ये है 115 तो ये एंगल भी कितना होगा 115 कोरेस्पोंडिंग एंगल। ये जो क्वेश्चन था इसको इसीलिए कोरेस्पोंडिंग एंगल से बताया था क्योंकि इसको यहां भी अप्लाई करना है। अब देखो एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा
एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, मतलब ये एक्सटीरियर वाला एंगल कितना होगा 145। समझ आया बच्चों? देखो जो भी आपको बताया जाता है ना वो इसलिए बताया जाएगा क्योंकि आगे भी उसका यूज होगा। अब आपको तो आगे के क्वेश्चन पता नहीं है लेकिन मुझे तो पता है ना क्या है, तो स्टार्टिंग से उसी मेथड को फॉलो करते हैं जिसको आगे भी अप्लाई करना है। बीओसी ये बताना है हमें कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों कितना होगा। भाई एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास होगी 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होगी। अब इसमें से एक एंगल है 31, तो फिर ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना होगा, 180 माइनस 31, ये एंगल होगा 149। भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है UW, ये स्ट्रेट लाइन है और एंगल x प्लस y फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखो बच्चों अगर आप इधर से देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन कितनी होगी 180 डिग्री, और अगर आप इधर से देखोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन कितनी होगी 180 डिग्री। तो एक साइड से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो, सेकंड साइड से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो और दोनों को ऐड कर दो। बताओ बच्चों कितना होगा, x की वैल्यू बताओ पहले क्या होगी। देखो हमारे पास UW ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब 90 प्लस 2x प्लस 3x, ये कितना होगा 180 डिग्री। अगर हमारे पास UW एक स्ट्रेट लाइन है तो 90 प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना होगा 180। 5x की वैल्यू कितनी होगी यहां से 90, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 80। अब देखो x की वैल्यू आई आपके पास 18, और जब आप इधर से देखोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास y प्लस 105 इक्वल्स टू कितना होगा 180, तो यहां से y की वैल्यू कितना आ जाएगी 75। अब x की वैल्यू है आपके पास 18, y की वैल्यू है 75, आपको फाइंड आउट करना है x प्लस y कितना होगा 18 प्लस 75। तो ये कितना होगा 93। समझ आया बच्चों? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सर जी वैसे x की एक और वैल्यू आ रही है, बताओ। जैसे जो 105 डिग्री जो है वो वर्टिकली अपोजिट है 90 प्लस 2x के। अगर ये लाइन आपके पास यहाँ भी होती ना, जैसे देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी, अब आप इधर से लगा सकते हो, ये लाइन भी तो है यहाँ जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ ये लाइन नहीं है, सर जो 90 प्लस 2x ये पूरा जो एंगल है, बोलो 90 प्लस 2x सर,
थोड़ा सा ऊपर करना सर, डायग्राम आधा कट रहा. एंगल यू ओ नहीं, एक सेकंड बोलो, आप बात बोलते रहो. वो है 105 डिग्री. फिगर थोड़ी छोटी दिखती है. 90 प्लस प्लस 105 के वर्टिकली अपोजिट है ना. अगर एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्स वाई आपको स्ट्रेट लाइन कहाँ की बनी? एक ही तो लाइन आपको स्ट्रेट की बनी है, यू डब्ल्यू. ये तो क्वेश्चन में लिख कर दिया है आपको. वही डाउट था सर, क्योंकि बीच में मतलब एक कोई भी पॉइंट नहीं रखा ना ब्रेक के लिए, ऐसे बीच में ओ लिख देते हैं. अगर ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती तब आप ऐसा कर सकते थे. वही मतलब पर उनके बीच में कुछ फिगर बहुत छोटे दिखती है. चलो कोई उनके बीच में कोई एक पॉइंट और दिया नहीं है ना ब्रेक करने के लिए, वो ब्रेक नहीं हो रहा ना कहीं भी. इसलिए अगर हमें ये भी गिवन होता होना चाहिए वो कि x और y एक स्ट्रेट लाइन है. देखो जैसे u w को हमें लिख कर दिया तो फिर हम इसी को अप्लाई करेंगे. हाँ सर, किया तो उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब बाद में देख रहे थे तो. शायद ऐसा भी हो सकता है अब आपकी क्लास बड़े वाले बोर्ड पे, शायद ऐसा हो सकता, मतलब बड़ा बोर्ड क्योंकि ये ज्योमेट्री है ना. हाँ, इधर से ना फिगर बहुत छोटी दिखती है आपको, तो एकदम करेक्ट दिख रही है, लेकिन मेरी वाली साइड से नहीं, बहुत छोटी सी दिखती है. बताओ फटाफट से कितना होगा 5x प्लस 4 प्लस 3x. इसको तो बता दो, इससे ज्यादा आसान क्या होगा? सर वही होगा ना, मतलब जैसे पहले क्वेश्चन में. इसमें देखो एक अभी हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कर रहे हैं. एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास कितनी होगी? 180 डिग्री. तो इसका मतलब 5x प्लस 4 प्लस 3x 180. 8x equal 8x equals to 176. X की वैल्यू कितना होगी? 22. समझ आया बच्चों क्वेश्चन? देखो इस क्वेश्चन के लिए ना आप इसको तो छोड़ दो, ये किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइप हो गया. बस आप अपने फिगर को देखो और ये एंगल है हमारे पास 40 डिग्री. इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, अब बस इस फिगर को देखो और ये जो एंगल बी है ये है 40 डिग्री. सबसे पहले आप एंगल डी बताओ कितना होगा. सबसे पहले आप ये बताओ ये जो एक्सटीरियर वाला एंगल है ये कितना होगा? सर 125. 125. देखो अभी अभी आपको एक बात बताई थी, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा. देखो आपके पास ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 120. एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा. तो आपके पास ये जो एंगल ए है ये बी और सी के सम के इक्वल होगा. अब इसमें से ए है हमारे पास 40, तो फिर ये एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा? बी है हमारे पास 40, तो फिर ये एंगल सी कितना होगा? 80. अब उसके बाद बी सी डी ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये ई सी डी कितना होगा बताओ?
ये वाला एंगल कितना होगा 100। भाई अगर एक साइड का एंगल है 80 और एक स्ट्रेट लाइन होगी 180, तो फिर ये बाहर वाला एंगल कितना होगा 100। अब अभी अभी आपको एक बात बताई थी, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। अब देखो हमारे पास ई सी और डी, हमें यहां ये एक्सटीरियर एंगल बताना है कितना होगा। तो एक एंगल है हमारे पास 25, एक एंगल है हमारे पास 100। तो अब आप ये बताओ ये एक्सटीरियर वाला एंगल कितना होगा अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल, मतलब 100 प्लस 25, ये बाहर वाला एंगल होगा 125। इस क्वेश्चन में हमें दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें से एक एंगल होगा हमारे पास 125। बच्चों समझ आया 125 कैसे होगा? सर ये 125 एक बार बताना। ये हमारे पास 40 है, ये 80 था, तो ये कितना होगा 100। 100 कैसे आया? एक स्ट्रेट लाइन कितनी होगी 180। एक तरफ का 80 है, तो इधर वाला कितना 100। ओके ओके हाँ। अब अगर एक साइड का 80 है तो इधर वाला कितना होगा 100। फिर उसके बाद देखो एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ई सी डी। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, सबसे स्टार्टिंग में ये बात समझाई थी। हाँ। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 25 और 100 के सम के इक्वल, मतलब 125। ओके सर। सर ये जो स्ट्रेट लाइन है एक मिनट, तो बी सी डी जो स्ट्रेट लाइन है, तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज इसमें हो रही थी कि आपने यहाँ पे 40 लिखा था ना, ये 40 तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो मिसप्रिंट अच्छा। हो गया। ओके ओके अब देखो हमारे पास, अब हमें फाइंड आउट करना है ये एफ वाला एंगल। अब देखो अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल है 125, तो फिर ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, तो फिर ये अंदर वाला एंगल कितना होगा बोलो 55। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये हमारे पास होगा 55। ये जो हमारे पास अंदर वाला एंगल है ये कितना होगा 55, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, एक एंगल है हमारे पास 40, एक एंगल है हमारे पास 55, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, तो फिर ये थर्ड वाला एंगल कितना होगा 85। तो आपके पास ये जो एंगल डी है एक्सटीरियर वाला एंगल ये होगा 125, और ये जो एंगल एफ है ये कितना होगा 85। समझ आई बच्चों बात? अब आप ये बताओ आज की क्लास में कोई डाउट? देखो बातें समझते चलो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, आप हर बार यही गड़बड़ करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि चीजों को जल्दी जल्दी कर लो, फिर जल्दी जल्दी में जो बातें आपको आती हैं उनको तो आपको ऐसा लगता है कि इनको जल्दी जल्दी कर लो, और फिर जो बातें आपको नहीं आती फिर जब उनको हम जल्दी जल्दी करते हैं फिर आपको डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए सबको कुछ आराम से करते रहो। अभी इसके बाद हमारे पास लाइंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत। अब बाकी क्वेश्चंस को भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब लाइंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तुम्हें लाइंस में एक भी डाउट नहीं बचेगा, एक सिंगल डाउट।
ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। जिनकी 10 बजे से क्लास है वो क्लास ज्वाइन करो। बोलो एनीवेज, आज तो मैथ्स की क्लास ही नहीं है। नहीं क्लास क्यों नहीं है? बहुत सारी क्लास है उसको। मेरी नहीं है सर। आपके बैच में नहीं होगी ना निमेश? नहीं सर, हम जी सर, हमारे बैच में नहीं है। पांच पांच बैच चलते, एक आपके में तो नहीं है। बस दो बैच में नहीं है सर, वो दो ही बैच में तो आता हूँ मैं। ये तो बहुत दुख की बात है। वही तो। तो फिर आज आप ऑफलाइन वाले में आ जाते? हाँ सर, वही आसपास तो आ जाता। नहीं मैं आपको बोल भी देता आने के लिए। मैम गेट पे फीस मांग लेती मेरे से। जिन बच्चों की क्लास है 10 बजे से वो क्लास ज्वाइन करो। थैंक यू सर, बाय बाय बच्चों, टेक केयर। और इनका हम साथ के साथ रिवीजन करते रहना, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वरना फिर से वही बात होगी, आप भूलते चले जाओगे। भूलने मत देना कुछ भी। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम। Thank you.